नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A का जो मिसयूज हो रहा है अब हमारे समाज के लिए एक अभिशाप सा बन चुका है। बहुत सारी ऐसी पत्नियां हैं जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A का गलत यूज कर रही हैं और अपने पति और पति के घर वालों को इस धारा के चंगुल में फंसा के काफी ज्यादा परेशान कर रही हैं। और ये चीज अब एक आम बात सी हो गई है और हमारे समाज के लिए ये काफी ज्यादा नुकसानदेह हो रहा है। अब देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A का जैसा मिसयूज हो रहा है उसी में कभी कभी कुछ ऐसे जजमेंट्स आ जाती हैं, जो जजमेंट्स ऐसे पतियों के लिए जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के दुरुपयोग से परेशान है, वो काफी ज्यादा इस झंझट में फंस चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, उनके लिए ऐसे जजमेंट काफी ज्यादा काम कर जाते हैं और उन्हें अपने केस से बचाने में काम आ जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए हाई कोर्ट के द्वारा दिया हुआ एक ऐसा लैंडमार्क जजमेंट लेके आया हूं। इस जजमेंट के जरिए यदि आप भारतीय दंड संहिता की धारा 498A से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं और आपका ऐसा मामला होगा, तो इस जजमेंट का यूज करके अपने केस में लगा के आप भी अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। ये एक हाई कोर्ट के द्वारा दिया हुआ जजमेंट है, तो ये एक रूलिंग जजमेंट है और लाखों पतियों को इस जजमेंट के जरिए फायदा भी मिल सकता है। तो चलिए अब इस जजमेंट के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब जैसा इस किताब का नाम ही है, लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, तो इस किताब के नाम से ही आप इस किताब का उद्देश्य भी समझ सकते हैं। तो देखिए, ये जो किताब है, ऐसे पति जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के झूठे केस से परेशान है, मेंटेनेंस केस से परेशान है या फिर किसी प्रकार के कोई भी मैट्रिमोनियल केसेस से परेशान है, तो ऐसे ही परेशान पतियों के लिए ये किताब लिखी गई है। आपको इस किताब में भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 125 CRPC, DV एक्ट, डाइवोर्स केस सेक्शन 9 आदि प्रकार के जो भी मैट्रिमोनियल केसेस होती हैं उनसे संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल पाएगी, जिससे कि यदि आप झूठे केसों से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, आपको कोई कुछ बताने वाला नहीं है, तो ये किताब पढ़ के आप अपनी जानकारी बढ़ा पाएंगे और अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे। क्योंकि जब आपको जानकारी होगी, आप चीजों को जानेंगे, कानून को अच्छी तरह से जानेंगे, तो आपको कोई ठग भी नहीं पाएगा, ठग के पैसे भी नहीं ऐंठ पाएगा, साथ ही साथ आपका जो केस है उसमें आप अपना पक्ष भी मजबूत कर पाएंगे। तो यदि आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आप अपने मुकदमे में अपना पक्ष भी मजबूत करेंगे, समय भी बचा पाएंगे और साथ ही साथ आपके पैसे भी बर्बाद होने से बचेंगे। तो ये जो किताब है पतियों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। इस किताब का जो मूल्य है वो ₹550 है, प्लस ₹100 कोरियर चार्ज है, लेकिन अभी ₹50 इस किताब पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो यदि आप इस किताब को बाय करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर मैसेज करिएगा कि मैं किताब खरीदना चाहता हूँ, आगे का प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो जो जजमेंट है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A की FIR को क्वेश्चन से संबंधित है। अब देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा आया है और ये जो जजमेंट है इसमें जो पक्षकार है वो विनय अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है वो अपने पति और पति के घर वालों के ऊपर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और 34 IPC में FIR दर्ज कराती है। जब मामला दर्ज हो जाता है, इसके बाद पति और पति के घर वाले काफी ज्यादा परेशान होते हैं, काफी ज्यादा उनका उत्पीड़न होता है, पुलिस भी उन्हें परेशान करती है और ऐसे ही करके 2 साल बीत जाता है। और जब 2 साल बीत जाता है, चार्जशीट भी नहीं लगती है, तब जाके पति और पति के घर वाले जो होते हैं FIR को क्वेश्चन कराने के लिए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं। जब हाई कोर्ट में 482 CRPC के तहत FIR को क्वेश्चन करने के लिए पिटीशन लगाया जाता है, तो वहां पे हाई कोर्ट में जो पति होते हैं उनके जो वकील होते हैं उनकी तरफ से ये तर्क रखा जाता है कि देखिए, ये जो FIR दर्ज हुआ है जज साहब, इसमें जो भी आरोप लगे हैं वो सामान्य किस्म के आरोप लगे हैं, जैसे कि पति मुझे परेशान करता था, दहेज मांगता था, मुझे मारता था, पीटता था, और जो भी आरोप है वो अस्पष्ट आरोप है, ना उसमें समय है, ना डेट है, ऐसा कुछ नहीं
नहीं बताया गया है। और साथ ही साथ ये मामला हुए 2 साल हो गया, FIR दर्ज हुए 2 साल हो गया, और जो पुलिस जांच कर रही है जांच एजेंसी को अभी तक कोई सबूत भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ऐसे ही मामला जो है वो लटका पड़ा है 2 साल तक, अभी तक कोई सबूत नहीं मिला, ना ही कोई ऐसा साक्ष्य अभी तक सामने आया है जो पत्नी अपना आरोप लगा रही है उस साक्ष्य से वो बात साबित हो सके, ऐसा कुछ अभी तक नहीं मिला है। ऐसे ही जो मामला है वो लटका पड़ा है, सिर्फ सामान्य और अस्पष्ट आरोपों के आधार पे FIR दर्ज हुआ, और उसी के चलते पति और पति के घर वाले 2 साल से परेशान हैं, ये भी तर्क सामने रखा जाता है कोर्ट के। तो कोर्ट पूरे मामले को देखता है, कोर्ट भी यही पाता है कि FIR हुए 2 साल हो गया, अभी तक चार्जशीट नहीं लगी है और कोई भी सबूत भी नहीं मिला है, कोई सबूतों के अभाव में ही FIR दर्ज हुआ है और जांच एजेंसी को यानी पुलिस को भी कोई सबूत नहीं मिला है। तो कोर्ट जो होता है वो खुद इस बात को कहता है कि अगर ऐसा मामला चलाया जाता है तो ये कानून का दुरुपयोग होगा, ये सरासर गलत होगा। और ऐसे में जो हाईकोर्ट होता है इस मामले को FIR को वहीं पे क्वेश्चन कर देता है, खत्म कर देता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज सामने आ रही है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी-कभी पत्नी क्या करती है कि गलत तरीके से, गलत आधार पे, गलत आरोप लगा के FIR दर्ज करा देती है और पुलिस को भी अपनी तरफ मिला लेती है। फिर पुलिस क्या करती है कि चार्जशीट नहीं लगाती है, ऐसे ही FIR को लटका के 3-4 साल तक रख देती है और फिर पति और पति के घर वाले परेशान भी होते हैं। तो ऐसे में अगर ऐसा आपका मामला है, पुलिस जानबूझ के चार्जशीट लगाने में लेट कर रही है, काफी लंबा समय हो चुका है, तो आप इसके आधार पे क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं और अपने FIR को क्वेश्चन करा सकते हैं, जैसा इस मामले में हुआ है। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी जो मैंने आपको दी वो आपके लिए यूजफुल होगी, और आपका ऐसा मामला होगा तो आप अब समझ चुके होंगे आपको क्या करना है, सपोर्टिंग में आपको ये जजमेंट भी मिल जाएगा। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती हैं। आशा कर रहा हूं वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।